नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका gupta.com किचन में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़ और मैदे का मालपुआ बनाने का रेसिपी, जो कि अंदर से एकदम सॉफ्ट और जालीदार बन करके तैयार होगा, जो खाने में बहुत बहुत टेस्टी बना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो गुड़ का पुआ बनाने के लिए सबसे पहले तो हम गुड़ का सिरप बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी गुड़ ले लिया है, जिसको कि तोड़ लिया है ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। और उसी कटोरी से एक गमली में मैंने एक कटोरी पानी ले लिया है। अभी गुड़ को हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे ताकि गुड़ जो है जल्दी से मेल्ट हो जाए। और गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस ये हल्का सा पक जाए और ये गुड़ जो है मेल्ट हो जाए, बस उतनी देर तक ही इसे हमें पकाना है। तो ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये हमारा सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाया है। तो अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे। तो जैसे ही गुड़ वाला सिरप ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में इसको एक छन्नी में ले कर हम छान लेंगे। तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे ज़रूर से आप छानिएगा। अगर इसमें कुछ भी कचरा वगैरह होगा तो निकल जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा कचरा आया है, तो इसलिए इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो गुड़ को मैंने छान लिया है और ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में एक कटोरी भर के मैदा ले लिया है, 3 से 4 चम्मच बारीक वाली सूजी ले लिया है उसी में। अब उसी कटोरी से हम डालेंगे आधा कटोरी गेहूँ का आटा और कुछ फ्लेवर्स डाल देते हैं इसमें। तो 1 चम्मच मैंने लिया है सौंफ, 2 छोटी इलायची को कूट के ले लिया है। अब चाहें तो छोटी इलायची का पाउडर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा सूखा नारियल को काट लिया है इस तरह से बारीक बारीक, उसको भी डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को आप खूब अच्छे से मिला लेते हैं। जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, तब इसमें हम गुड़ वाला सिरप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका एक घोल बना के तैयार करेंगे। तो इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा घोल बना के हम तैयार करेंगे। तो गुठलियाँ ख़त्म हो जाने तक इसको अच्छे से इस तरह से हम फेंट लेंगे। तो कुछ इस तरह का बैटर मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो अभी इसको ढक के एक साइड में रख देते हैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए, क्योंकि मैदे को थोड़ा सा सेट होने में समय लगता है। तो आप 1.5 से 2 घंटे के लिए भी इसको आप रख सकते हैं। तो बैटर को रखे हुए 1.5 घंटे हो चुके हैं, तो अभी चलिए इसको हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए यहाँ पर मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। जैसे ही आपका तेल अच्छा गर्म हो जाएगा, उसके बाद में आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। और उसके बाद में एक कलछी की सहायता से बैटर को हम तेल में डाल देंगे और इसको हम एक बार में ही गिरा देंगे, ये अपने आप ही शेप ले लेगा। थोड़ी देर ऐसे ही इसको छोड़ देंगे, कलछी बिल्कुल भी नहीं इसमें लगाएंगे। और थोड़ी देर के बाद में इसको कलछी से इस तरह से इसके ऊपर हम तेल को डालते जाएंगे ताकि हमारा जो पुआ है ऊपर से भी पकता रहे। और उसके बाद में इसको हम पलट देंगे। तो इसको अच्छे से पलटते पलटते हुए एक अच्छा सा कलर आ जाने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पुआ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, अंदर तक ये पक गया है। तो चलिए अब इसको कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी के सारे पुए को हम इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो सारे पुए को मैंने बना के तैयार कर लिया है, अभी इसको भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए कितने स्वादिष्ट पुए बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। अंदर से एकदम अच्छे से जाली आया है और ये सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है, अंदर तक अच्छे से पक गया है। तो आप इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।